आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये आलू मेथी की रेसिपी। तो आइए झटपट से ये रेसिपी शुरू करते हैं। वैसे तो हम सब अलग अलग तरीकों से आलू मेथी की सब्जी बनाते हैं, बट मैं आज आपके साथ एक ऐसा सीक्रेट शेयर करूंगी जिससे कि सब्जी बिल्कुल कड़वी नहीं बनेगी और हम कोई मेथी को नमक नहीं लगाएंगे और कोई एक्स्ट्रा भूनेंगे नहीं, जिससे न्यूट्रिशनल वैल्यू भी कम नहीं होगी और न्यूट्रिशन वेस्ट नहीं होगा। तो आइए झटपट से हम रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो के करीब मेथी को इस तरह से काट करके धो लिया है और इसका वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी पोस्टेड है। और यहाँ पर है आलू, यहाँ पर 5 आलू लिए हैं मैंने बड़े साइज के, इनको भी मैं इक्वल कट करूँगी और चॉप करूँगी। तो यहाँ पर 2 मीडियम साइज के प्याज हैं, प्याज कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ है और इस तरह से लंबी लंबी पतली पतली स्लाइस भी कट कर ली है मैंने, ये हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। यहाँ पर हैं 2 हरे मिर्च, करारी मेथी बने तो बात ही क्या है, बहुत टेस्टी लगती है। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसको टोटली अवॉइड कर दें। और यहाँ पर हैं 2 छोटे साइज़ के टमाटर, काफ़ी छोटे टमाटर लिए हैं मैंने लगभग इस साइज के, तो 2 छोटे टमाटर हैं इनको भी कट कर लिया है। आइए झटपट से हम बनाना शुरू करेंगे और थोड़े से सूखे मसालों का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, आप जब चाहें तब बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम आलू को चॉप कर लेंगे। आलू मैंने इसलिए कट नहीं किए क्योंकि मुझे आपको साइज दिखाना था कि मैं कितना बड़ा कट कर रही हूँ इनको। तो इस तरह से पहले हम हाफ में कट करेंगे और उसके बाद इस तरह से हाफ करके, तो मैं इस तरह से फुल साइज के पीसेस में कट कर लूंगी। अगर आप बहुत बड़े बड़े पीसेस काटेंगे तो एक तो गलने में टाइम लगता है और ऊपर से आलू जो है वो मेथी का फ्लेवर उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो आप भी आलू को इसी तरह काटें। तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल। मैं यहाँ सरसों के तेल में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसे देसी घी में भी बना सकते हैं। मेथी का स्वाद या तो सरसों के तेल में अच्छा लगता है या देसी घी या फिर बटर में। थोड़ा इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे जब तक इससे धुआं ना उठने लगे। एक बार कढ़ाई में इस तरह से ऑयल को घुमा लेंगे जिससे कि कढ़ाई थोड़ी सी नॉनस्टिक हो जाती है और सब्जी जो है वो चिपकेगी नहीं। तेल हल्का ठंडा हो चुका है तो दोबारा से गैस जला लेंगे। ठंडा करना इसलिए ज़रूरी है ताकि अब हम जो भी इसमें ऐड करें वो जले नहीं। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, साथ ही इसमें 2 चुटकी हींग डाल देंगे। हींग से मेथी का स्वाद जो है बहुत ही अच्छा आता है, तो ज़रूर ऐड करें। जैसे ही जीरा भून जाएगा हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज, के साथ हम अदरक भी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो प्याज से पहले अदरक डाल सकते हैं, बट अगर आप लहसुन डालें तो पहले डालने की ज़रूरत है। इसे 2 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे जब तक कि प्याज का कलर थोड़ा चेंज नहीं हो जाता। तो प्याज का कलर चेंज हो गया है, इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, यहाँ पर 2 हरी मिर्च ली है मैंने। इसी के साथ डालेंगे मसाले, तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है मैंने मसाले डालते हुए। तो 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चुटकी हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून है ये। अगर आप मेथी में हल्दी नहीं डालते तो टोटली अवॉइड कर सकते हैं। और यहाँ पर है 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, और इनको अच्छे से मिला लेंगे। बहुत ज़्यादा सूखे मसालों का इस्तेमाल नहीं किया है मैंने यहाँ पर। तो देखिए मसाले भुन गए हैं, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू जो कि मैंने इस तरीके से काट लिए थे, इनको भी डाल देंगे और इनको एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे मसालों के साथ। मसालों से अच्छे तरीके से कोट हो चुके हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे नमक, 1 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे। अब हम आलू को बिल्कुल हल्की आंच पर पकाएंगे। 1 टीस्पून पानी डाल रही हूँ ताकि आलू इसमें नीचे से चिपके नहीं, बिल्कुल भी ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। और इसको एक बार हिला देंगे और अब हम इसे लगभग 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे, बीच बीच में चेक करते रहेंगे। मैं इसे ढक दूंगी और 10 मिनट के लिए इसी तरह से पकने दूंगी। 10 मिनट हो चुके हैं तो हम चेक कर लेंगे, और गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ था। ये देखिए आलू अब लगभग हो चुके हैं, देखने से ही पता लग रहा है, बट फिर भी हम इसे नाइफ़ की मदद से चेक कर लेंगे। ये देखिए कोई भी पीस के अंदर जब आप प्रिक करेंगे तो ये आराम से प्रिक हो रहा है, बट बहुत ज़्यादा मैशी भी नहीं है। और अब हम इसमें ये मेथी डाल देंगे। अगर आप आलू और मेथी को बिल्कुल एक साथ कुक करेंगे तो आलू जो है वो देर लगती है कुक होने में, तो मेथी का जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कम हो जाता है। इसको अच्छे से इस तरह हल्के हाथ से, हमने आलू को 70% तक कुक तब इसीलिए किया है क्योंकि जब हम मेथी ऐड करेंगे तो वो पानी छोड़ेगी और आलू जो है वो फिर मेथी के साथ बिल्कुल मैश हो जाएंगे, तो हमें मैश नहीं करनी, जस्ट इस तरह से हमने टॉस कर लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने फुल पर कर दिया है और अब हम इसे ढक करके नहीं पकाएंगे क्योंकि जो मेथी है
उसको ढककर के पकाने से उसका कलर जो है वो ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मैं उसको ढककर के नहीं कुक करूँगी। अब इसी तरह खुले में पकाएंगे। अब हम ऐड करेंगे इसमें वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि है मलाई। तो यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून मलाई ऐड करूँगी ताकि मेथी में बिल्कुल भी कड़वाहट ना आए। ये घर की ताज़े दूध की मलाई है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ 2 चम्मच ही ऐड कर रही हूँ। इससे मेथी की सब्ज़ी जो है वो बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती। एक बार इस ट्रिक को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको मिक्स कर देंगे, बिल्कुल हाई फ्लेम पर हम इसे 3 से 4 मिनट पकाएंगे बीच बीच में चलाते हुए ताकि सब्ज़ी नीचे से लगे नहीं। और अगर आप चाहें तो गैस का फ्लेम मीडियम भी कर सकते हैं। मेथी अच्छे से कुक हो चुकी है, आप चाहें तो इसमें टमाटर ऐड कर सकते हैं, बट मैं आज टमाटर ऐड नहीं कर रही हूँ। मलाई के कारण इसका टेक्सचर और फ्लेवर इतना बढ़िया है कि इसमें टमाटर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं किस तरह से मेथी में जो मलाई थी उससे घी निकल आया है, यानी कि जो अच्छे से भुन चुकी है मेथी और आलू की सब्ज़ी। आप इसे चेक भी कर सकते हैं आलू को कट करके, ये देखिए कितने ईजिली कट हो रहे हैं। तो बिल्कुल 100% कुक हो चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। तो 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला लिया है मैंने। सब्ज़ी बन करके रेडी है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो हम लास्ट में इसमें ऐड करेंगे तो जो हमने अदरक, यहाँ पर मैं इसमें अदरक के जूलियंस डाल दूँगी, बहुत अच्छे लगते हैं। और मिक्स कर देंगे। जब इस तरह से लंबी लंबी कटी हुई अदरक मुंह में आती है ना सब्जी के बीच में, तो बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ गैस बंद कर देंगे, ये अब हम इसे सर्व कर लेंगे। और अगर आपने एक बार इसे बना ली तो आपकी फैमिली जो है वो मेथी की फ़ैन हो जाएगी और सबको बहुत ही मज़ा आएगा इसे खाने में, सब इसे इंजॉय करेंगे। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सब्ज़ी कड़वी लगी या नहीं। और अगर नहीं लगी तो प्लीज़ औरों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग टिप्स और ट्रिक्स का फायदा उठा सके। रेडी है आलू मेथी की सब्जी। तो अब हम इसको गार्निश कर लेंगे। मैंने इसे गार्निश किया है यहाँ पर अदरक के लच्छे के साथ, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल भी कड़वी नहीं है, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। बड़ी ही सिंपल सी रेसिपी है, सिर्फ एक ट्रिक से बिल्कुल भी कड़वी आलू मेथी नहीं बनेगी, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत टेस्ट लगती है। और गर्मा गर्म पराठे हो और उसके साथ ही आलू मेथी की सब्जी जो कि झटपट से बन जाती है। डू ट्राई दिस रेसिपी एंड शेयर योर फीडबैक। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, बाय।